स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अब बिहार की राजधानी पटना को विकसित करने की योजना पर काम शुरू होने जा रहा है। इस योजना के तहत पटना शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत शहर के 21 सरकारी भवनों को चिन्हित किया गया है। इस योजना के तहत सरकारी भवनों की छतों पर करीब 3.1 करोड़ रुपए की लागत से सोलर पैनल लगाने की तैयारी की जा रही है। इन सोलर पैनलों से लगभग 790 किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। पटना नगर निगम के पीआरओ ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस योजना को बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पीवी सिस्टम के साथ स्मार्ट सिटी मिशन के सोलर रूफ टॉप ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग योजना को जोड़कर पूरा किया जाएगा। इतना ही नहीं, ब्रेडा की योजना के अंतर्गत शहर के 300 से ज्यादा भवनों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाने की योजना बनाई गई है। पीआरओ ने बताया कि ब्रेडा योजना को इस साल अप्रैल के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार के जिन सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, उनकी सूची जारी कर दी गई है। बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति, भारतीय नृत्य कला मंदिर, बाकीपुरा बालिका उच्च विद्यालय, बिस्कुमान भवन, फायर ब्रिगेड ऑफिस, तारामंडल, सिन्हा लाइब्रेरी, पटना म्यूजियम, गांधी म्यूजियम, न्यू पुलिस लाइन, यूथ हॉस्टल इस सूची में शामिल किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर के 68 सरकारी कार्यालयों को सौर ऊर्जा से जगमग करने की योजना को मंजूरी मिल गई है। इसके लिए 14.23 करोड़ रुपए की योजना पर स्मार्ट सिटी मिशन के गवर्निंग बोर्ड ने अपनी मुहर लगा दी है। जल्दी शहर में सरकारी कार्यालयों की छतों पर सोलर प्लेट लगाने का कार्य शुरू होगा। इसके लिए 3 माह पहले ब्रेडा ने स्मार्ट सिटी अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट के तहत DPR तैयार कर स्मार्ट सिटी मिशन के गवर्निंग बोर्ड के समक्ष विचार के लिए रखा था। शुरू में इसके लिए 81 सरकारी भवनों की सूची तैयार की गई थी, लेकिन 13 सरकारी भवनों की छत कमजोर पाई गई। इसके कारण 68 सरकारी भवनों की छत पर ही सोलर प्लेट लगाने का निर्णय लेकर DPR तैयार किया गया। अब इस कार्य को शुरू करने के लिए सिर्फ केंद्र से राशि मिलने का इंतजार है। मिशन स्मार्ट सिटी के लिए केंद्रीय नगर विकास मंत्रालय की ओर से बनाई गई वेबसाइट के डिस्कस पेज पटना के लिए देर शाम तक 13 लोगों ने डिस्कशन किया है, जबकि बिहार शरीफ के लिए 25 लोगों ने किया है। सबसे अधिक मुजफ्फरपुर के लिए 18,000 लोगों ने डिस्कस किया है। मुजफ्फरपुर की डिस्कस रफ्तार सबसे अधिक है। केंद्रीय वेबसाइट पर पटना की सफाई को लेकर सबसे अधिक डिस्कस किए गए हैं। वहीं पटना स्मार्ट सिटी के तहत गांधी मैदान में ओपन एयर थिएटर स्थापित किए जाएंगे। इसके तहत मेगा स्क्रीन लगाई जाएगी। इनके माध्यम से शहरवासी शॉर्ट मूवी, क्रिकेट मैच आदि का आनंद उठा सकते हैं। इसके लिए कवायद अंतिम चरण में है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।